डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था लंबन विधि के बारे में, जिसकी सहायता से हमने बड़ी दूरियां, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये ज्ञात करना सीखा था। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ग्रह है, यहाँ से पृथ्वी पे से हम इसको दो अलग अलग बिंदुओं से देखते थे, ऐसे ये कोण मान लो थीटा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए, ये बी है और ये दूरी हमें ज्ञात करनी थी एस। तो इस एस का मान निकल कर आता था बी अपॉन थीटा, और थीटा जो होता है उसको हम रेडियन में लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला आ गया था। आज हम पढ़ेंगे लंबन विधि के द्वारा आकाशीय बिंदुओं का आकार ज्ञात करना, या हम ऐसे कहें चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। तो चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे हम लंबन विधि द्वारा। तो सपोज दैट ये चंद्रमा है, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में जो S है ये बड़ी होगी एज कंपेयर टू डी। तो इस केस में होगा क्या, इस D को, ये जो ए बी है व्यास, इसको हम इस S की जगह अगर हमने एक वर्त बनाए तो उसकी चाप मान सकते हैं इस व्यास को, और चाप अगर हमने उसको कंसीडर कर लिया, क्योंकि देखो डायग्राम इसको एग्जैक्ट अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से अपने को दिखाई देगा। ये जो दूरी है काफ़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू इस दूरी के, तो इसको हम चाप मान सकते हैं। ये कोण हो जाएगा एल्फा, ये त्रिज्या हो जाएगी एस, और चाप हो जाएगा ये डी। उसके बाद अपने पास फॉर्मूला होता है चाप का, चाप बराबर होता है त्रिज्या गुणा में कोण। तो यहाँ पे त्रिज्या है एस और कोण है अल्फा, और चाप जो है ये व्यास है ए बी। तो यहाँ से व्यास का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है एस इंटू अल्फा। ध्यान देना यहाँ पर भी जो अल्फा है इसको अपने को रेडियन में लेना है, क्लियर है। तो इस ये दूरी जो एस है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये हमने निकालना सीख लिया था पिछले क्लास में। तो ये दूरी हमें पता होती है, ये कोण पता होगा तो हम चंद्रमा का व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था लंबन विधि द्वारा चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। अब हम डिस्कस करेंगे वृत्त दूरियां ज्ञात करने की परावर्तन या प्रतिध्वनि विधि। दो विधि हमने पढ़ ली हैं लंबी दूरी ज्ञात करने की। पहली थी लंबन विधि, उसकी सहायता से हमने पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी से ग्रह की दूरी ज्ञात करना सीखा था। उसके बाद लंबन विधि से ही हमने चंद्रमा या फिर और कोई आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे तीसरी विधि है
जिसके द्वारा हम दूर की या बड़ी दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लो किसी पहाड़ की दूरी अगर अपने को ज्ञात करनी है तो उसमें हम इस परावर्तन विधि का उपयोग लेते हैं। कैसे करते हैं उसको, तो सपोज दैट यहाँ से अपने को दूर स्थित कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि या परावर्तन विधि काम में लेते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है, आपने देखा होगा जब भी आप लोग पहाड़ के पास जाकर के कुछ बोलते हैं तो वो जो ध्वनि है टकरा करके वापस हमें सुनाई देती है, जिसको हम इको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि, वापस ध्वनि टकरा करके सुनाई देना। तो उस विधि से कैसे हम पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से बंदूक की हेल्प से, हमारी बंदूक है, इस बंदूक से यहाँ से गोली चलाते हैं तो गोली की जो आवाज़ है वो जाएगी यहाँ पर पहाड़ी पर और वापस टकरा करके हमें सुनाई देगी। तो मान लो इस बंदूक से जो ध्वनि निकल रही है उसकी चाल है बी, और इस बिंदु से जो पहाड़ी की दूरी है वो हम मान लेते हैं एस है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, तो ये दूरी अपने को ज्ञात करना है। तो इस बंदूक से जो गोली निकलेगी उस गोली की जो ध्वनि होगी उस ध्वनि का वेग है वी, तो ये ध्वनि यहाँ से जाएगी और इस पहाड़ी से टकरा करके वापस हमें सुनाई देगी। तो उसमें कितना समय लगा ये हम नोट कर लेते हैं, तो मान लो ये समय जो है वो है टी, ध्वनि यहाँ से चलकर वापस जब अपने को सुनाई दे रही है तो उसमें कितना समय लगा है टी, इस समय को हम आसानी से नोट कर सकते हैं स्टॉपवॉच की हेल्प से। ये समय हमें पता है, ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का वेग वायु निर्वात में, सॉरी निर्वात में जो ध्वनि चलती नहीं है, वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, वेग हमें पता है, ये समय हम नोट कर लेंगे। तो देखो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। देखो ध्वनि की चाल है बी, समय कितना लग रहा है इसमें टी, और ध्वनि ने कितनी दूरी तय की, ध्यान देना ध्वनि यहाँ से गई और टकरा कर वापस यहाँ पर आ गई, तो दूरी ध्वनि ने तय की हो जाएगी 2s, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है एस, और वापस आएगी तो भी एस, तो एस और एस 2s हो जाएगी, तो ये होगा 2s इक्वल्स टू वी इंटू टी। तो यहाँ से एस की वैल्यू आ जाती है वी इंटू टी अपॉन, की वैल्यू अगर अपने को पता है तो हम आसानी से ये जो दूरी है ये ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है v into t divided by 2। तो इस तरीके से हम पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं प्रतिध्वनि विधि से। क्लियर है, कोण की कुछ मात्रक हैं उनको समझ लो एक बार। देखो जैसे आर्क मिनट होता है, ये कोण का ही मात्रक होता है आर्क मिनट, जिसको हम लिखते हैं ऐसे 1 आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री, 1 डिग्री का जो 60वां भाग होता है उसको हम कहते हैं 1 आर्क मिनट। ऐसे ही एक और मात्रक भी होता है कोण का आर्क सेकेंड, उसको हम लिखते हैं एक बटे साठ डिग्री। इसको डिग्री में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1/60, और ये आर्क मिनट है इसको हम लिख सकते हैं 1/60 डिग्री, और 1 आर्क मिनट का मतलब होता है 1/7 डिग्री। क्लियर है, यहां से आप क्या होते हैं ये भी कह सकते हो। देखो
आर मिनट। दे रहे हैं एक डिग्री जो होगा उसका मीनिंग हो जाएगा 60 आर्क मिनट। क्लियर है, ये सब न्यूमेरिकल में अपने को काम में आएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखो हमने तीन विधियाँ पढ़ी थी, बड़ी दूरियाँ ज्ञात करने की लंबन विधि थी, उसकी सहायता से हमने दूर ग्रह की दूरियाँ ज्ञात की थी। उसके बाद लंबन विधि द्वारा चंद्रमा का व्यास ज्ञात किया था। तीसरा हमने प्रतिध्वनि विधि द्वारा पहाड़ी की दूरी ज्ञात की थी। अब इन तीनों विधियों के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। चलो करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो व्यासर्ध विपरीत बिंदु ए एवं बी से चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 × 10⁻⁷ मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो ये अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का व्यास है, तो व्यास के जो दोनों सिरे हैं ए और बी, यहाँ से चंद्रमा को देखा गया, ये मान लो चंद्रमा है, तो यहाँ से जब देखा तो ये दृष्टि रेखा होगी कुछ इस टाइप से बनेगी, और यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो दृष्टि रेखा है कुछ इस टाइप से बनेगी। थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं। इन दोनों रेखाओं से जो चंद्रमा कोण बनाता है ये थीटा है, और इस थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 डिग्री 54 मिनट। इसी डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, इसको हटा दो, अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये कोण थीटा अपने को दे रखा है, तो गिवन है अपने को थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट। देखो 1 डिग्री का मतलब होता था 60 आर्क मिनट, 1 डिग्री मतलब होता है 60 आर्क मिनट ये होंगे और 54 मिनट ये होंगे, तो 60 और 54 हो जाते हैं 114 आर्क मिनट। अब इस आर्क मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता था उसमें थीटा को रेडियन में पुट करना है अपने को। तो देखो एक आर्क मिनट होता था 1/60 डिग्री, ये हो जाएगा 114। एक आर्क मिनट को हम लिखेंगे 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब होता है, 1 डिग्री का मतलब होता है देखो 180 डिग्री में तो होते थे पाई रेडियन, 1 डिग्री में हो जाएगा पाई 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब होता है पाई 180 रेडियन, तो इस डिग्री की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर पाई 180 रेडियन। तो ये जो कोण अपने को देखा था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। अब दूसरा डेटा अपने को दिया हुआ है पृथ्वी का व्यास, ये जो दूरी है जिसको हम वी मानते थे ये भी अपने को गिवन है, थीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो थीटा इक्वल टू था अपना 114/100, तो ये थीटा था अपना। अब ये जो बी दूरी है ये अपने को गिवन है 1.276 × 10⁷ मीटर, और ये जो दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ये ऐसे मान लो, इसको अपने को ज्ञात करना है, तो एस का मान अपने को ज्ञात करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस इक्वल टू होता था बी अपॉन थीटा। अब दोनों ही वैल्यू अपने पास है, बी की वैल्यू भी है और थीटा की भी है, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखो 1.276 × 10⁷ डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू ये है 114/60 / 180।
इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे, देखो पाई की वैल्यू पुट कर देना 3.14, इसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये निकल कर आता है, देखिए तो ये निकल कर आता है 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। क्लियर है? तो ऐसे हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 आर्क सेकंड है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496×10^11 मीटर है, सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए। तो देखो ये अपने को गिवन है, मान लो सूर्य है, ये सूर्य का व्यास है डेल्टा टी इक्वल टू के एम ए ए बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पीछे जब हम इसको देखते हैं इसका जो व्यास है ये कोण बनाता है, रिप्लेस करेंगे, मान लो कोण अल्फा है और उस कोण का मान अपने को दे रखा है 1920 आर्क सेकंड। तो देखो गिवन है अपने को अल्फा इक्वल टू 1920 आर्क सेकंड। अब आर्क सेकंड का मतलब होता था, इसको डिग्री में जब बदलेंगे तो एक आर्क सेकंड होता है 1/3600 डिग्री, और इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 1920/3600×1 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब होता था पाई बटे 180 रेडियन। तो इस डिग्री की जगह हम पुट कर देंगे पाई बटे 180, ये कन्वर्ट हो जाता है रेडियन में। ये जो कोण होते हैं ये अपने को रेडियन में रखने होते हैं फॉर्मूले में। तो ये अपना अल्फा की वैल्यू आ गई है। उसके बाद अपने को दिया हुआ है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये जो दूरी है एस, ये अपने को गिवन है एस इक्वल्स टू 1.496×10^11 मीटर, और ये जो व्यास है ये अपने को ज्ञात करना है ए बी। देखो व्यास का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता था एस इंटू अल्फा, एस और अल्फा दोनों वैल्यू अपने पास हैं, इनको यहाँ पे पुट करते हैं। देखो एस की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.496×10^11 अल्फा की वैल्यू है 90/20×3600×180, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करना 3.14। तो ये वैल्यू निकल कर आती है 1.398×10^9 मीटर। थैंक यू। बाकी कल हम नेक्स्ट, यहाँ पर तीनों जो मेथड हैं वृत्त दूरियाँ ज्ञात करने की वो कंप्लीट हो चुके हैं।